नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मौसम को लेकर। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों बारिश तो कहीं गर्मी जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से खासकर दक्षिण बिहार के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि राजधानी पटना के साथ साथ नालंदा, नवादा और गया के जिलों में लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि मानसून एक्टिव होने के बाद ही अब जो है लोगों को प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है, यानी कि उन्हें निजात मिलेगा इससे। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार इस बार प्रदेश में मानसून तय समय पर एक्टिव होने की बात कही जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि आने वाले 9 दिनों तक प्रदेश में गर्मी से राहत नहीं मिलने की बात कही गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार राज्य के 1-2 इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बाद भी गर्मी कम होने का नाम नहीं लेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से प्रिडिक्शन है, पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार मानसून तय समय से पहले ही होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में 12 जून तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। बिहार में इस बार मानसून 12 जून को एक्टिव होने की बात कही जा रही है। यह भी कहा गया है कि 18 जून को राजधानी पटना में मानसून एक्टिव होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश की पहली बौछार पूर्णिया में होने की बात कही गई है। वर्तमान में मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक बारिश होने का बात जो है इस बार कही गई है। और अगर हम वर्तमान में बारिश की बात कर लें तो इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, कटिहार का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बार की जो बारिश होगी उसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने अभी जारी किया है। वहीं अगर हम प्रदेश में गर्मी की बात कर लें तो प्रदेश में इन दिनों पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है, जिसके कारण प्रदेश में हवा की रफ्तार जो है 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस दौरान प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। हालांकि विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के इन दिनों इलाकों में जो है बारिश होने की बात भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाला है। इस दौरान उमस अधिक होगा, जिससे कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तेज़ गर्मी के बाद बारिश और उसके बाद उमस की जो स्थिति होती है, इससे खास करके लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के पूर्व एवं दक्षिणी पूर्वी हवा के साथ उत्तर प्रदेश का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिससे कि बारिश की संभावनाएँ बनी हुई है। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कारण जो है बारिश जैसे हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही साथ एक जो है पूर्वी पश्चिमी टर्फ लाइन रेखा इसी चक्रवाती परिसंचरण के साथ नागालैंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम से गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि प्रदेश में अभी हो रही बारिश को प्री मानसून कहा जा रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश में हो रही बारिश को बिहार में मानसून के पहुँचने में मददगार साबित होने की बात जो है कही जा रही है। विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में 12 जून तक पहुंच सकता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में मानसून तय समय से पहले पहुंचने की पूरी संभावना है। बिहार में मानसून की एंट्री को लेकर यह बताया गया है कि मानसून झारखंड के रास्ते बिहार में पूर्णिया, फारबिसगंज, अररिया, कटिहार और जमुई होते हुए प्रदेश में दस्तक देगी। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार की माने तो केरल में मानसून की एंट्री तय समय से 3 दिन पहले हुई है। मानसून के दौरान पूर्वी पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। हमने पहले आपको बताया कि मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना इस बार जताई है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी मानसून जो है बिहार में एक्टिव हो, ताकि राजधानी पटना के साथ साथ दक्षिण के इलाकों में जो गर्मी जैसे हालात हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।